अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। बड़ा संकल्प, दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब शत प्रतिशत सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमें हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समन्याकुल परिवर्तन करने की आदत रखती है, यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है, और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया, एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, ये हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुट जाती है। अब कोई कल्पना कर सकता है कि देश 40-42 के कालखंड को याद कीजिए, देश उठ खड़ा हुआ था, किसी ने हाथ में झाड़ू लिया था, किसी ने तकली ली थी, किसी ने रेंटिया लिया था, किसी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था, किसी ने संघर्ष का मार्ग चुना था, किसी ने क्रांति की वीरता का रास्ता चुना था, लेकिन संकल्प बड़ा था आजादी, और ताकत देखिए, बड़ा संकल्प था तो आजादी लेके रहे, हम आजाद हो गए। अगर संकल्प छोटा होता, सीमित होता, तो शायद आज भी संघर्ष करने के दिन चालू रहते, लेकिन संकल्प बड़ा था तो हमने हासिल भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है, अपनी आंखों के सामने
और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50, 55 के हुए होंगे, मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25, 30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए, हम सब पूरी ताकत से लगे आए, बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा, विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे, हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। जब मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरे पहले भाषण में, देश चल पड़ा, जिससे जहां हो सका स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा और गंदगी के प्रति नफरत एक स्वभाव बनता गया। यही तो देश है जिसने इसको करके दिखाया है और कर भी रहा है, आगे भी कर रहा है। यही तो देश है जिसने वैक्सीनेशन, दुनिया दुविधा में थी, 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया, समय सीमा में कर लिया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया। ये देश कर सकता है, हमने तय किया था, देश को खाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं, झाड़ी के तेल की ओर कैसे बढ़े, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं था, देश ने करके दिखाया। लाखों परिवारों के घर में जल से नल, नल से जल, नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। खुले में शौच से मुक्ति भारत के अंदर आज संभव हो पाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हो, देश में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा हो, डॉक्टरों की तैयारी करवानी हो, हर क्षेत्र में पहले से गति बहुत बड़ी है। और इसलिए मैं कहता हूं अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो, यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता, देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी, कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे, क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे, क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए, हमारे मन के भीतर दूर दूर सात समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। और मैं आशा देखता हूं जिस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिस मंथन के साथ बनी है, कोटि कोटि लोगों के विचार प्रवाह को संकलित करते हुए बनी है और भारत की धरती की जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनी, रसकस हमारी धरती के मिले हैं, हमने जो कौशल्य पर बल दिया है,
ये एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। हमने देखा है कभी कभी तो हमारी टैलेंट भाषा के बंधनों में बन जाती है, यह गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पे गर्व होना चाहिए, वह हमें भाषा आती हो या ना आती हो, लेकिन मेरे देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों ने दुनिया को दी हुई है भेंट सौगात है, हमें गर्व होना चाहिए। मेरे साथियों, आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं, स्टार्टअप देख रहे हैं। कौन लोग हैं? ये वो टैलेंट है जो टीयर टू टीयर थ्री सिटी में किसी गांव गरीब के परिवार में बसे हुए लोग हैं। ये हमारे नौजवान हैं जो आज नई नई खोज के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। गुलामी की मानसिकता, हमें उसे तिलांजलि देनी पड़ेगी। अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा।